हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाउ मम्मी। आज हम बना रहे अप्पम। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अप्पम बनाने के लिए ये हमने एक कप रवा लिया है। इसमें हम एक कप से थोड़ा कम दही लेंगे। इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे रवे में ताकि कोई लम्स नहीं रहे। दही और रवा हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम सेम कप से थोड़ा पानी डालेंगे। हमने एक कप पानी लिया है लेकिन हमें जितना यूज़ में आएगा हम उतना यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे इसका। इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। हमें आधा कप से ज़्यादा पानी यूज़ में आएगा इसमें। हमें एक गाढ़ा बैटर बना के इसे साइड में रखना है। अब इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हम साइड में रख देंगे जब तक हम बघार कर लेंगे। अप्पम बनाने के लिए हमने एक शिमला मिर्च, दो अनियंस और एक गाजर को ग्रेट कर लिया है। हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम उसमें एक चम्मच राई डालेंगे। राई क्रैकल होगी तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। इसमें अब हम अनियंस डालेंगे। अनियंस को थोड़ा सॉल्ट कर लेंगे। अनियंस हमारे थोड़े से सॉल्ट हो गए। अब हम इसमें हमारी शिमला मिर्च डालेंगे और गाजर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारा अप्पम बहुत कलरफुल और टेस्टी बनेगा। आपको चाहिए तो सिर्फ आप अनियंस डाल के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कैप्सिकम और गाजर डालना, लेकिन ये अच्छा दिखता है और टेस्टी लगता है इसके लिए डालते हैं। ये हमारा बैटर 10 मिनट से रेस्ट कर रहा है और ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। अब ये मसाला हम इसमें मिक्स करेंगे। ये मसाला हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने ज़रा भी नमक यूज़ नहीं करा है। अब इस मोमेंट पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। नमक के साथ अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप एक बार इसमें नमक मिर्ची टेस्ट कर लीजिए। इसमें हम एक सैशे इनो डालेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने वाला सोडा डाल सकते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अप्पम बनाएंगे। ये हमने अप्पम पैन ले लिया है और इसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दिया है। आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप अच्छे से ऑयल लगाइए सब जगह। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अप्पम डालेंगे। आपको एक एक चम्मच डालना है। आपका जब मसाला अच्छा और टेस्टी रहेगा तो आपके अप्पम बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसे हम कवर करके स्लो गैस पे थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसे हम खोल के देखेंगे। ये हमारे अप्पम बहुत अच्छे से रेडी हुए। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। ये हमारा एक साइड से हो गया। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। आप थोड़ा सा नीचे से उनको अंदर डालेंगे तो ये फ्लिप हो जाता है। बहुत अच्छा कलर आया है। आपको एक साइड से पहले अच्छे से पकाना है, फिर ही आपको उसको फ्लिप करना है। आप सारे अप्पम इसी तरीके से फ्लिप कर लीजिए। आपको ये सारे अप्पम फ्लिप कर देने हैं। आप कवर नहीं करना है और आपको सिर्फ दूसरे साइड से मीडियम गैस पे पकाना है। आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक कर सकते हैं। ये 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। दूसरी साइड से भी जब अच्छे से कलर आ जाएगा उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारे अप्पम रेडी हो गए। बहुत अच्छे से बने, बहुत टेस्टी बने। और इसके साथ में मैंने टमाटो केचप और ग्रीन चटनी सर्व किए। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।